अब जो हमने पेस्ट बनाया है वो हम थोड़ा थोड़ा करके साइडों से इस तरह 15 मिनट्स हो गए हैं। इसके अंदर मैं बुलेट चिली। अस्सलामुअलैकुम, आपको हमारे YouTube चैनल माजी के जायके में खुश आमदेद। आज हम बनाने लगे हैं रुई जैसे नरम मुलायम कोफ्ते। इनको थोड़ा डिफरेंट टेस्ट में बनाऊंगी, आप इनको मुगलाई कोफ्ते भी कह सकते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है आधा किलो चिकन का कीमा और आधा किलो यह है लैम लेग का कीमा, यानी कि बकरे की रान का कीमा। इन दोनों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। जैसे जैसे मैं चीज़ें डालती और मिक्स करती जाऊँगी आपको बताती जाऊँगी। इसमें हमने हरा मसाला लेना है, थोड़ा सा हमने धनिया लिया है, इतना बड़ा हमने अदरक का पीस लिया है, दो अनियन लिए हैं और हरी मिर्चें ली हैं तकरीबन 10 से 12। आप चाहें तो आप इनको इकट्ठा पीस लें और चाहें तो अलहदा अलहदा पीस के कीमे में मिक्स करना है। और इसके अलावा हमने लिया है एक टेबल स्पून खशखाश का पेस्ट है और ये मैं डाल रही हूँ पीले चने। इनका सूखा ड्राई करके पाउडर बना लूँगी। इसका बहुत अच्छा और डिफरेंट टेस्ट आता है, आप इसको एक बार डाल के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बाज़ लोग जोड़ने के लिए ब्रेड या बेसन इस्तेमाल करते हैं, अगर आप पीले चने करेंगे उससे कोफ्ते आपके जुड़ेंगे भी बहुत अच्छे और एक बहुत डिफरेंट टेक्स्चर आएगा, बहुत अच्छा डिफरेंट टेस्ट आएगा। और वैसे मैंने चिकन का कीमा डाला, जो चिकन और कीमा होता है वैसे वो थोड़ा सा जुड़ा जुड़ा होता है। इसके अलावा 6 से 7 बादाम लिए हैं, इनको पीस लिया है, पीस लूँगी। कोकोनट है, इसको मैंने इनको धो के और रात को भिगोया हुआ था, ये नरम हो चुकी हैं, इनका पेस्ट बनाऊँगी। और 6 से 7 मेरे पास कैश्यू नट्स, इनको काजू कहते हैं, इनको पेस्ट बनाऊँगी। तो मैं जैसे जैसे काम करती रहती हूँ और उसके बाद हम थोड़े से ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, मैं आपको शो करती जाती हूँ। तो हम एक अलहदा बॉल में इन इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने चनों का, हम एक बॉल में सबसे पहले सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले मैंने चनों का पाउडर बनाया है, उसको मैं इस तरह छान लूँगी ताकि कोई भी लम्स इसमें ना रहे। ये जो लम्स हैं हम इनको निकाल लेंगे। इसके बाद मैं इसमें तकरीबन 1/3 मिर्च, आपकी डिपेंड करती है, हम थोड़ी सी तेज़ मिर्च खाते हैं, लाल मिर्च का पाउडर डाल दूंगी। 1 चम्मच मैं इसके अंदर नमक डालूंगी, नमक भी आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है। देखिए मैंने बहुत भर के नहीं डाला। 1/2 टेबल स्पून पिसा हुआ गर्म मसाला डालूंगी। ये हमारे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके अंदर मैंने जो 1 टेबल स्पून लिया था खशखाश, पिसी हुई खशखाश है, ये मैंने धो के और अच्छी तरह साफ करके इसको पीसी है। इसके बाद मैंने हरी मिर्चों का और हरे धनिए का और कैश्यू नट्स का, बादामों का, उन सब का एक पेस्ट बना लिया और थोड़ा सा खोपरा था, कोकोनट था। इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया, खोपरा, बादाम और काजू, इनका पेस्ट है, ये डालूंगी। प्याज पीस के मैंने इसका अच्छा तरह पानी ड्राई करके इस तरह करके मैं सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। ये सारा मसाला जो हमने मिक्स किया है अभी हम ये कोफ्तों में डाल के इनको अच्छी तरह आटे की तरह गूंदेंगे और मिक्स करेंगे कम से कम 5 मिनट। अगर आपके पास केक मिक्सर वाली मशीन है, फास्ट वाली नहीं जो सिर्फ मिक्स करती है, आप उससे भी 2-3 मिनट में मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। ये हमारा बेसिक जो है कोफ्तों का मिक्सचर बन गया। चाहे अब आप इसके अंडे कोफ्ते बनाएं, आलू कोफ्ते बनाएं, कढ़ी में डालें, पालक कोफ्ते बनाएं, सब कुछ बेसिक ये है। इस तरह अगर मैं अलहदा अलहदा, जैसे हम कबाब फ्रीज करते हैं, इनको बना के फ्रीज भी कर सकते हैं। और आज मैं मुगलाई कोफ्ते बना रही हूँ तो मैं इसको नरगिसी कोफ्ते पे भी चढ़ा सकते हैं। तो अब हम इसका दूसरा स्टेप करेंगे कि इसकी बॉल्स बनाते जाएंगे और दूसरी तरफ हम इसका मसाला बनाना शुरू करेंगे। हाथों पे हम पानी लगा के और इस तरह राउंड राउंड करके इस तरह हम इसकी बॉल बना लेंगे। और मैं आपको उसको, अंडे भी हमारे बॉईल हो रहे हैं, अंडे को बॉईल करके छील के अंडे पे भी चढ़ाना बताऊंगी। ये देखें, ये मैंने कोफ्ते बना के इनको लहदा लहदा थोड़ा थोड़ा सा दूर दूर रख के, आधे कोफ्ते, इसलिए कि हम लोग तो छोटी फैमिली है, तकरीबन 4 लोग ही हैं फैमिली में, तो आधे कोफ्ते मैं बना के फ्रीज कर दूँगी। जब मुझे ज़रूरत हो या अचानक मेहमान आए तो मेरे घर से कुछ ना कुछ निकल आएगा, वर्किंग वूमन हूँ ज़ाहिर सी बात है, और आधे कोफ्ते मैं आज बना लूँगी।
अंडे कोफ्ते बना रहे हैं तो मैं अंडों को उबाल के इनको छील के सेपरेट कर लूँगी। अब दूसरा स्टेप शुरू करेंगे, हम इसकी ग्रेवी बनाना शुरू करेंगे। मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने आधे जो हैं कोफ्ते फ्रीज कर दिए हैं, तो तकरीबन 15 के करीब मैं कोफ्ते बना रही हूँ। तो मैंने दो मरियाने साइज के अनियन लिए, मरियाने नहीं तो थोड़े बड़े अनियन थे, तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी और तकरीबन ये देखें एक ये छोटे साइज का और एक ये बड़े साइज का टमाटर है। तकरीबन अगर छोटे छोटे हों तो दो या तीन ले लें। तो इस तरह इसको टमाटरों को भी मैं बारीक काट के इस प्याज में डालूंगी। टमाटर डालने के बाद तकरीबन हाफ टी स्पून मैं इसमें नमक डाल के इसको अच्छा सा पका लूंगी। इसको ढक के हम कॉर्नर दूसरे कॉर्नर के अपने कुकर पे रख देते हैं और हम इधर कोफ्तों की बाकी तैयारी शुरू करते हैं। मैंने इसका फॉइल लिया, उसमें घर का पिसा हुआ अदरक लहसुन डाला है 1 टीस्पून। अब इस अदरक लहसुन को मैं अच्छी तरह ब्राउन कर लूँगी। आपने हांडी में ऑयल बहुत अच्छी किस्म का यूज़ करना है, इसको हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, काला नहीं करना। इसीलिए मैंने चिकन के कीमे में लैम का कीमा बनाया कि ना हमारे कोफ्ते बिल्कुल काले काले वरना बन जाते हैं। थोड़ा सा दोनों चीज़ें मिक्स करने से बड़ा अच्छा कलर आता है। तो ये हल्के सा जब सौते सा हो जाए तो इसके अंदर मैं कोफ्ते डाल दूँगी। खुला बर्तन लेना है कि एक के ऊपर एक ना चढ़ें, चूल्हे की आँच हल्की सी रखनी है। तो ये देखें मैंने इसके साथ क्या किया है कि अभी कोफ्ते जैसे ही डालें जल्दी जल्दी कोफ्ते डाल के, और एक ये वाला जो है ये देखें ये मैंने इसके अंदर अंडा रखा है। मैं ज़्यादातर अंडे जो है सेपरेट रखूँगी, इसलिए जिसने लेना वो ले, जिसने नहीं लेना ना ले। एक सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ये अंडा भी अगर आप इस तरीके से डालें तो वो टूटेगा नहीं। और मैंने आपको बताया था कि आधे कोफ्ते मैंने फ्रीज कर दिए, तो तकरीबन ये 15 कोफ्ते हैं। तो मैं उस हिसाब से आपको मसाला बनाना बताऊंगी। बर्तन थोड़ा खुला लेना है ताकि एक के ऊपर कोफ्ता ना चले। और अभी जैसे मैंने कोफ्ते रखे हैं, साथ ही मैं आप चाहें तो पहले ये मसाले डाल दें, लेकिन ये मैं मिडिल में इस तरह 1/2 टीस्पून हल्दी, सालन मैंने भुना सा बनाना है, हम थोड़ी ज़्यादा मिर्चें खाते हैं, 1 टेबल स्पून मैं इसमें लाल मिर्च, एक टेबल स्पून सूखा पिसा हुआ धनिया। आप चाहें तो ये मसाले पहले भून दें अगर हांडी छोटी है, फिर कोफ्ते डालें। मेरा साथ के साथ ही भून जाएगा और मुझे इसकी प्रैक्टिस है, तो मैं इसी तरह उसको भून लूँगी। आप चाहें तो पहले ही मसाले डाल के उसको भून के फिर कोफ्ते डालें। इस तरह 5 मिनट इस मसाले को और कोफ्ते को भूनते हुए हो गए। इसमें ये होता है जो कोफ्ते के अंदर जो पानी और गोश्त का पानी होता है वो इस मसाले में जाता रहता है और मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन जाता है। और आप चाहें तो इसको ऐसे ऐसे हल्का हल्का सा 5 मिनट बाद हिला दें। ये देखिए साथ साथ मैं हिलाती जा रही हूँ, लेकिन अभी थोड़ा इतना हिला नहीं है, लेकिन हमारा अदरक लहसुन और ये सब कुछ भुन गया है, इसमें से कच्ची स्मेल नहीं आ रही। इलायची डाल दें, मैंने इसका मुंह खोल के 2 इलायची डाली हैं। ये देखें साथ साथ हिलाते भी जाना है। 1 बड़ी इलायची, इतना सा दालचीनी का पीस और 1 टीस्पून मेथी दाने का डाल देना है। और इसको कपड़े की मदद से इस तरह हिलाते जाना ताकि ये अच्छा सा मसाला हमारा फ्राई हो जाए। अगर आपको लगे कि मसाला लगने लगा तो थोड़ा सा इसमें गर्म पानी डाल दीजिएगा। 10 मिनट बाद मैंने इनकी साइड चेंज कर दी है और ये मीडियम टू लो हीट पे पक रही है। दूसरी तरफ हमारा देखिए प्याज भी मैंने पकने रखा हुआ था। आफ्टर 5 मिनट्स तकरीबन मैं इसमें 1/4 कप का पानी का डालूंगी। 1/4 कप जो मेजरमेंट केको वाली होती है, तकरीबन हमारे चाय के कप में बहुत थोड़ा सा पानी बनेगा ये। देखिए कोफ्ते टूटे बिल्कुल नहीं है और इनकी साइड भी बहुत आराम से चेंज हो गई है। मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाला है तो इसको बॉयल आने तक पकाऊंगी। जो हमने प्याज और टमाटर लहसुन पकने के लिए रखा हुआ था वो तकरीबन पक गया। इसको अब मैं हैंड ब्लेंडर, आपके घर में दूसरा ब्लेंडर भी हो जिसकी भी मदद से इसका बारीक सा पेस्ट बना लूंगी। अब जो हमने पेस्ट बनाया है वो हम थोड़ा थोड़ा करके साइडों से इस तरह कोफ्तों में मिला देंगे।
ये देखें ये मिक्स हो जाएगा अच्छी तरीके से। इसको भुनते हुए 15 मिनट्स हो गए हैं। इसके अंदर मैं बुलेट चिली, थोड़ी सी सूखी मेथी, हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला घर का, बॉईल हुए हुए अंडे और थोड़ा सा हरा धनिया घर का भुना हुआ बारीक कटा हुआ, उस पर गार्निश कर देंगे। अगर आपको थोड़ा सा पतला रखना है, मैंने थोड़ा सा भुना हुआ बनाया है, तो इसमें गर्म पानी डाल के और इसको थोड़ा सा पतला कर लें। मैं आपको अब इसको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखें हमारे मज़ेदार अंडे कोफ्ते तैयार हैं। इन पे आप शाही कोफ्ते हैं थोड़े से आलमंड डाल दें। ये देखें बिल्कुल अच्छी कितनी अच्छी तरह से हमारा अंडे वाला वो कोफ्ता बना है और बिल्कुल भी नहीं टूटा। तो आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली बार हम एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।